नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने अब न्यायालय में जाने की चेतावनी दे दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नाम पर लगातार लूट हो रही है निजी अस्पतालों में। पैकेज निर्धारित कर दिए गए हैं, प्रतिदिन के 30,000 रुपये से 70,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन पर लगाम लगाए और जो पैकेज सिस्टम है इसको खत्म किया जाए, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी, या चेतावनी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, विशेष तौर पर निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी पैकेज निर्धारित नहीं किया है, जिसका पूरी तरीके से निजी हॉस्पिटल द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। 30,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये प्रति बेड प्रति दिन तक कोरोना मरीजों से वसूले जा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे आपको कि कई ऐसे राज्य हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, जिन्होंने प्रति बेड प्रतिदिन कोरोना पैकेज का तय किया हुआ है, जो 10,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये प्रतिदिन तक है। यहाँ तक कि केंद्र द्वारा संचालित आयुष्मान योजना में भी प्रतिदिन प्रति बेड का कोरोना पैकेज तय किया गया है, जो लगभग 2,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक है। सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनता को लुटने के लिए क्यों छोड़ दिया। हमने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री तथा डायरेक्टर कोरोना सेल को पत्र लिखकर यह मांग की है कि आप शीघ्र कोरोना के इलाज के लिए, विशेष तौर पर निजी हॉस्पिटल के लिए पैकेजेस तय करें, अन्यथा हम समस्त मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करेंगे।